कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी कुछ दिन की चर्चा थी, अब शोर थमता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिमाचल की टोपी हमारी आन बान व शान है, ऐसे में आम आदमी की टोपी पहनकर कार्यकर्ता सिर्फ सेल्फी खींचकर नौटंकी कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाली। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद भिंडरवाले के झंडे लगाकर खालिस्तान के झंडे फहराने की, आतंकवाद अलगाववाद की सोच वाले लोग हिमाचल में भी जड़े फैलाना चाहते हैं, जो हिमाचल के लोग कभी नहीं होने देंगे। एक दौर था, कुछ दिन की चर्चा थी, अब वो शोर थमता नजर आ रहा है। और हिमाचल में जो चलेगी वो हिमाचल की टोपी ही राज करेगी। ये जो नौटंकी के लिए या सेल्फी खींचने के लिए जो टोपी पहन रहे हैं ना, ये टोपी हमेशा नहीं रहने वाली है। हमारी जो शान है, हमारी आन है, हमारी हिमाचल की टोपी है, यही हिमाचल में चलेगी। हिमाचल की सभ्यता हिमाचल में चलेगी। अब मैं सरकार बनी है, बिंडरा वाले के झंडे लगाकर खालिस्तान के नारे, हम लोगों को मुख्यमंत्री को धमकाया गया कि 29 को हम शिमला में जो है झंडा फहराएंगे। ये आतंकवाद सोच वाले लोग, अलगाववादी लोग, अगर उनके मंसूबे ये हैं कि वो हिमाचल में भी अपनी जड़े फैलाना चाहते हैं, तो वो युवा हिमाचल के गुमराह होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहीं पे कुछ लोगों को बरगलाया होगा। उस प्रदेश के हालात ये हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में वो प्रदेश है, और मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री ने कटोरा लेकर केंद्र के पास पहुंच गए। क्यों ऐसी घोषणाएं करते हो? आज पंजाब में बिजली 3.5 रुपये यूनिट है, जबकि हिमाचल में बहुत सस्ती बिजली है, जो कि और भी सस्ती की जा सकती है। हिमाचल में पर्यटन को एक बहुत बड़ा रोज़गार के रूप में उभर के आया है, लेकिन ये पर्यटन तभी कामयाब रहेगा जब यहाँ पे शांति रहेगी। अगर यहाँ पे खालिस्तान के नारे लगेंगे, अगर यहाँ पे अलगाववादी ताकतें आएगी, तो उससे ये पर्यटन का माहौल ख़राब होगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ हिमाचल में अभी इन दलों का कोई वर्चस्व नहीं है। एक इससे भी बड़ी पहले जो है दल आए थे, आप जानते हैं, मायावती यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी लेकर आई थी, बहुत बड़ा वोट बैंक उन्होंने हिमाचल में लिया था, लेकिन सीटें तो नहीं जीत पाए ना। वैसे ही है कि कुछ तीसरा फ्रंट तो हमेशा इंडिपेंडेंट लड़ते ही हिमाचल में, अगर वो कुछ लोग मंशा रख के वहाँ पे अगर उनकी दल से लड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो कुल्लू में बिखराव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस बारे में ना चिंता करने की ज़रूरत है, और पहाड़ों में ये जो ऐसे लोग अभी कहीं पे नजर नहीं आएंगे। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पे पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर सकें।